व्यवहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज यानी 21 जनवरी को आपात बैठक बुला दी है। आपको हम बता दें कि 12 बजे से ये बैठक रावरी आवास पर की जा रही है। वहां पर राजद के तमाम विधायक जो है वो मौजूद है और बीते कुछ दिन पहले से ये बातें कही जा रही थी कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में हमें बहुत कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बता दें इस बैठक में बिहार के तमाम मुद्दों पर डिस्कशन की जा रही है। इस बैठक में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हो या फिर जो तेजस्वी यादव 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं उसको लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों पर वहां पर चर्चाएं की जा रही है। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर भी वहां पर चर्चाएं की जाएंगी। इसी दौरान हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ आज रावरी आवास के पास मौजूद है। उन्होंने वहां जाकर आरजेडी विधायक चेतन आनंद से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद, आप खुद सुनिए। चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, हाल ही में विधायक बने हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। चेतन आनंद जी यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठक में क्या कुछ होने वाला है? देखिए अब तो बैठक में जा करके पता चलेगा हम लोग तो क्या कुछ करेंगे इस बैठक के बाद। आपको लगता है कि बिहार में जो खरमास के बाद करने की जो भी पार्टी का निर्देश होगा उस पे हम लोग चलेंगे और पार्टी का आज बैठक है, हम लोग देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बार बार सवाल उठाई जा रही है सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे फिर इस मुद्दे पर? देखिए हम तो पहले से स्टार्टिंग से ही बोलते आए हैं ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। हाँ, और यहाँ पर इन लोग से कुछ संभल नहीं रहा, बैठक पे बैठक कर रहे हैं ये लोग। उसके अलावा जो है आज जो धरातल पे काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। आप लोग जो दो तीन घटनाएं हुई हैं खास करके अभी वो आप लोगों को देख ही रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं कि कैसे ये लोग मतलब इनसे बिहार नहीं संभाल रहा है। बताइए ये अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी भी धरना पर हैं, कल तेजस्वी यादव भी मिलने पहुंचे थे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, उसको लेकर कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल उन लोग का मुद्दा जायज़ है और उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग अपोजिशन में, हम लोग का ये काम है कि उनको बार बार रिमाइंडर देते रहे सरकार को, और धरना जो है वो सबका अधिकार है। हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बजट सत्र को लेकर बार बार तेजस्वी सवाल उठा रहे थे और इस बार बजट सत्र की जो अवधि है वह बड़ी कर दी गई है, तो अब क्या इससे खुश है या और भी कोई परेशानी है? देखिए वो तो अच्छी बात है कि बढ़ाया गया है और हम लोग चाहेंगे कि विधानसभा जिस तरीके से चलना चाहिए उसी तरीके से चले। तो सुना आपने जब हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने चेतन आनंद से सवाल किया बिहार में बढ़ते अपराध और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं बल्कि बिहार में तो कुशासन की सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष से अब बिहार संभाली नहीं जा रही है, तभी तो बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अपराध है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही जैसे बीते दिनों नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि इस बार का बजट सत्र 19 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक चलेगा, जिसको लेकर के हमारे संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया तो चेतन आनंद ने कहा कि ये अच्छी बात है, वैसे भी हम सब चाहते हैं कि बिहार विधानसभा जो है वो अच्छा से चलाया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।